आज जो मुझे अचानक से चुल मचा कि चलो यार वन पीस के जो टॉप के कॉन्करर हाकी मोमेंट्स है उन्हें रैंक करते हैं। अब देखो यार, पहले ही बता देता हूं, ये जो कॉन्करर हाकी वाला जो रैंकिंग है ये किसी के पावर के बेसिस पे नहीं है, ये मेरे टॉप 10 फेवरेट मोमेंट्स है कॉन्करर हाकी वाले। और देखो कॉन्करर हाकी वन पीस में देखना किसको पसंद नहीं है यार, जब भी ये चीज होता है ना भाई मजे आ जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, रैली का सेबोंडी आर्क वाला कॉन्ट्रा हाकी। वहां पर भाई रैली ने तो तबाही मचा दिया था, जिस हिसाब से यार रैली का इंट्रोडक्शन दिया गया था, राइट हैंड मैन ऑफ गोल्डी रॉजर, और उसके बाद उसके हाथ में हथकड़िया होते हुए भी जिस हिसाब से यार वो जेल से बाहर आकर के भाई सेबोंडी में जो ऑक्शन चल रहा था वहां पे तहलका मचाया था, वो एक नेक्स्ट लेवल था। प्लस भाई जिस हिसाब से चुन के कॉन्ट्रा हाकी मारा था अलग ही मजा आया था यार। और जानते हो मुझे अच्छे से याद है वो वाला दिन और किस तरह से मैंने रिएक्शन दिया था जब ये सीन आया था ना एनिमे में, मतलब मैं देख रहा था भाई मुझे ऐसा लगा था ये किसी तरह का डेविल रूट पावर है और मुझे ये वाला पावर चाहिए था। मतलब काश मेरे पास भी होता कि मैं बंदों को बेहोश कर पाता आंख दिखा के, और बाद में पता चला कि यार ये कुछ लोग पैदा इसी मिलता है और जिस लेवल से यार यूज होता है और अभी के टाइम पे यूज हो रहा है वो तो नेक्स्ट लेवल है, तो रैली को यहां पर रखना बनता है। नंबर 9, लूफी का मरीन फोर्ड वाला कॉन्ट्रा हाकी। भाई देखो एस मरने वाला था और उसी टाइम लूफी चिल्लाता है और बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रा हाकी निकलता है जिससे बहुत सारे मरीन के ऑफिसर्स बेहोश हो जाते हैं। अब हाँ उस वक्त लूफी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन भाई वो कॉन्ट्रा हाकी देखने के बाद जिस तरह से रिएक्शन सामने आए थे भाई नेक्स्ट लेवल था। आउकीजी का रिएक्शन मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया था। अब देखो वन पीस के वर्ल्ड में अगर कॉन्ट्रा हाकी किसी के पास है मतलब भाई समझ जाओ कि वो आगे जाके बहुत ऊंचा वाला झंडा गाड़ेगा ही गाड़ेगा। अब हाँ किड के पास कॉन्ट्रा हाकी है लेकिन अभी तक दिखाया नहीं है, तो फ्यूचर में वो कुछ झंडे गाड़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम लूफी का राइवल ही कंसिडर कर सकते हैं। खैर बात करूं इस कॉन्ट्रा हाकी के मरीन फोर्ड वाले की, तो भाई पहले तो व्हाइट बियर्ड ट्राई किया था, व्हाइट बियर्ड फेल हो जाता है बिकॉज वो उसका तबीयत खराब था, लेकिन जो लूफी यूज करता है ना उसके बाद भाई वन पीस फैंस के अंदर अलग ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वाला मोमेंट आज भी याद है मुझे। और देखो ये जो जितने भी कॉन्ट्रा हाकी मोमेंट्स है ना वो तुम ना अगर तुम फर्स्ट बार देखोगे ना तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देता है, और उसे तुम बार बार देखोगे तो वो आदत सा पड़ जाता है और फर्स्ट बार देखने का अलग ही मजा आता है। नंबर 8, अब यार देखो यहाँ पर जो है टाई किया मैंने बिकॉज ये दोनों ही मोमेंट्स मुझे बहुत पसंद आए थे। और हाँ एक बात तो मैंने बताना भूल ही गया, यहाँ पर देखो वन पीस में अब तक चाहे एनिमे हो मांगा हो या फिर मूवी हो जितना भी मतलब वन पीस का चीजें आए हैं वहां पर जितने भी कॉन्करर हाकी मोमेंट्स हमें दिखाए गए हैं मैंने उन सब को मिला के रैंक किया है, मतलब ये मेरा फेवरेट मोमेंट बताया है। तो इस वजह से यार मांगा का भी होगा, एनिमे का भी होगा और मूवी का भी होगा। हाँ तो जैसे कि मैं कह रहा था यहाँ पर टाई है। नंबर 8 में दो कॉन्ट्रा हाकी है, सबसे पहले जिसको मैंने रखा है वो है लूफी वर्सेस डॉफ्लामिंगो। भाई लॉ का पड़ा हुआ था जमीन में, डॉफ्लामिंगो पैर से कुचलने वाला था, फिर जो लूफी आता है और वहां पर जिस लेवल का कॉन्ट्रा हाकी यूज होता है यार देखने का अलग ही मजा है। सच बताऊं तो वो चीज देखने में बहुत ही मजा आ गया था यार, और उसके बाद से समझ में आ गया था कि लॉ जो है लूफी का आगे जाके बहुत अच्छा दोस्त बनेगा और बहुत अच्छा आगे जाके साथ देगा, भले ही मतलब ये दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह कंसिडर नहीं करते, एक तरह से राइवल दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर तो लॉ ही दिखाता है हम दोनों एनिमीज है, लेकिन जब दुश्मन सामने हो बड़ा वाला दुश्मन तो दोनों साथ में आ जाते हैं और ये लोग जिस हिसाब से यार लड़ते लड़ते मतलब आपस में ही लड़ते हुए फाइट करते हैं अलग ही मजा आता है। पर देखो जिस हिसाब से लूफी ने डॉफ्लामिंगो के खिलाफ कॉन्करर हाकी यूज किया था और जिस हिसाब से वो सुप्रीम किंग हाकी रिलीज हुआ था भाई मजा आ गया था। यहाँ पर टाई हुआ था, पहला वाला तो बता दिया, अब सेकंड जो है वो है काइडो वर्सेस यामाटो का कॉन्ट्रा हाकी। अब देखो ये दोनों जो है आपस में फाइट करेंगे, एनिमे वॉचर्स चिंता मत करो तुम्हें देखने को मिलेगा, मांगा रीडर्स को तो देखने को मिल चुका है, और ये दोनों जब आपस में फाइट करते हैं भाई कॉन्करर हाकी कोट करके फाइट करते हैं, और वहां पर हमें यामाटो का स्ट्रेंथ मालूम पड़ा था कि यामाटो कितना ज्यादा स्ट्रांग है भाई, विदाउट हथकड़ियां वो एक नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर बन जाती है बिकॉज वो अपने डेविल रूट फॉर्म में तो अलग ही लेवल है,
लेकिन वो कॉन्करर हाकी जिस हिसाब से यूज करती है उसका हाकी भी बहुत स्ट्रांग है। ये चीज जब एनिमे में एनिमेट होगा ना देखने में तो बहुत मजा आएगा। खैर नेक्स्ट नंबर 7, यहां पर भी मैंने टाई किया है बिकॉज इन दोनों को मैं यार हटा नहीं सकता था, इन दोनों को लिस्ट में रखना जरूरी था। सबसे पहले है फिशमैन आइलैंड वाला कॉन्करर हाकी, जहां पर लूफी ने हार्डी जोन्स के 50,000 फिशमैन को बेहोश कर दिया था। जोरो और सांजी दोनों हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं और फिर बीच में से लूफी सामने निकल के आता है और भाई जो कॉन्करर हाकी मारता 50,000 फिशमैन को बेहोश कर देता है। और वो देखने के बाद यार पूरा फिशमैन आइलैंड जिस हिसाब से रिएक्शन देता है उस लेवल का मेरा भी रिएक्शन था जब मैंने फर्स्ट टाइम फिशमैन आइलैंड आर्क को देखा था। और भाई मजे आ गए थे यार वो कॉन्करर हाकी देखने के बाद। हाँ वो बात अलग है, हार्डी जोन्स एक नंबर का चूतिया था, वो किसी काम का था नहीं, लेकिन वो जिस हिसाब से यार कॉन्करर हाकी दिखाया, मतलब वो दिखाता है कि लूफी इतने साल जो ट्रेनिंग किया, 2 साल वो ऐसे ही घास नहीं छीला, वो स्ट्रांग बन के आया है, वो आगे जाके तगड़े अपने ओपोनेंट्स को यार झटका देगा। साथ ही साथ इसके साथ जो मैंने रखा है रैंक में वो है किंग वर्सेस जोरो वाला। भाई यहाँ पर देखो किंग ने कॉन्करर हाकी यूज नहीं किया था बट जोरो ने कॉन्करर हाकी यूज किया था, वो भी अपने स्वॉर्ड्स में चढ़ा के, और फिर यार जिस हिसाब से किंग को काटा था उसके पंख काटे थे, भाई अलग ही मजा है। एनिमे वाले यार वेट करो वो दिखेगा आने वाले टाइम पे, लेकिन जिस हिसाब से इन दोनों के फाइट के बीच में जोरो जो है रियलाइज करता है एनमा के पावर को, एनमा के स्वॉर्ड के एनर्जी को, उसके सोल को, और फिर यार वो जिस हिसाब से एनमा को हाकी अब्जॉर्ब करने देता है, फिर यार जोरो नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर बन जाता है भाई, जिस हिसाब से काटता है ना मजे आ जाते हैं। खैर नेक्स्ट नंबर 6 लूफी वर्सेस बुलेट, ये वाला जो हमें मूवी में देखने को मिला था। हाँ ये नॉन कैनन मूवी थी लेकिन यार नॉन कैनन होने के बावजूद वो अपने टाइम का बेस्ट कॉन्करर हाकी मोमेंट देके गई थी। यार लूफी और डगलस बुलेट जिस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ कॉन्करर हाकी यूज करते हैं, पहले तो डगलस बुलेट जो अपना कॉन्करर हाकी रिलीज करता है वन पीस मूवी स्टैम्पेड में, वो सुपरनोवास को एक तरह से धमकी देता है, चैलेंज करता है, और उसके बाद लूफी जो है अपना कॉन्करर हाकी निकाल के मारता है, और दोनों का यार वो एरिया में जिस हिसाब से दिखाया जाता ना मजा आ जाता है। और शायद अगर पूरे स्टैम्पेड मूवी का बेस्ट मोमेंट अगर मैं कहूँ वो सैबो जिस हिसाब से रोकता है और एस और सैबो दोनों को दिखाया जाता है, उसके बाद अगर बेस्ट मोमेंट मैं अगर कहूँ पूरे स्टैम्पेड मूवी में तो यही कॉन्करर हाकी था मेरे लिए, शायद तुम सबका भी होगा। अब तुम सबका था कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताओ यार। खैर नंबर 5 सैंक्स वर्सेस वाइट बियर्ड। अब देखो ये वाला जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड माना जाता है आज के टाइम पे, लेकिन जिस टाइम पे ये आया था ना भाई, वाइट बियर्ड और सैंक्स ये दोनों जब क्लैश किए थे बादल फट गया था, और जिस हिसाब से सैंक्स यार एंट्री मारता है बंदों को बेहोश करते हुए और फिर इन दोनों का क्लैश दिखाया जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा यार फॉरनर सोच रहे थे कि भाई सैंक्स इतने छोटे से तलवार से वाइट बियर्ड के उससे बड़े से तलवार को रोक दिया, बादल फट गए, इतना पावर, मतलब उस वक्त तो पता नहीं था ना कि ये कॉन्करर हाकी का कमाल है, उस टाइम पे इतना ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हम सबको पता है। और एक बात, अगर आज के टाइम पे वो चीज दिखाया जाता ना पक्का सैंक्स और वाइट बियर्ड के तलवार जो है ना आपस में टच नहीं करते। पर जो कुछ भी हो ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट है, और एक बात तुम जान लो सैंक्स मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, प्लस सैंक्स ने बहुत सारे कॉन्करर हाकी मोमेंट्स भी दिए हैं तो मुझे उसके मोमेंट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस लिस्ट में वो कुछ ज्यादा ही है, तो इस वजह से इरिटेट मत होना। बट हाँ सैंक्स किसको पसंद नहीं है, सैंक्स सभी को पसंद है। नंबर 4 लूफी वर्सेस काइडो का कॉन्करर हाकी क्लैश। अब देखो एनिमे वॉचर्स एक खतरनाक वाला क्लैश आने वाला है, बिकॉज लूफी जब पानी में अभी गिरा है ना, वो जो ऊपर जाके दोबारा जब काइडो और लूफी लड़ेंगे ना और वहां पर जो क्लैश होगा ना भाई, वहां पर बादल फटने वाला है, जिस तरह से योंको क्लैश होता है ना उस लेवल का योंको क्लैश होगा, बादल फटेंगे भाई और ये दो कैरेक्टर आपस में टकराएंगे। वैसे ये वाला चीज जब मांगा में आया था भाई सभी चिल्ला रहे थे सिवाय मेरे, मतलब ज्यादातर यूट्यूबर्स जो बोल रहे थे, इंडियन हो फॉरनर्स हो, सभी के सभी ज्यादातर कुछ को छोड़ के कि भाई अब लूफी योंको लेवल हो गया। मैंने उस वक्त कहा था कि लूफी योंको लेवल नहीं हुआ है और वही सच हुआ, आगे के कुछ चैप्टर्स बाद लूफी पिटा हुआ नजर आया। लेकिन जो कुछ भी हो वो कॉन्करर हाकी मोमेंट मांगा रीडर्स भूल नहीं सकते, बिकॉज यार हम सब वेट कर रहे थे लूफी कब यार इस टाइप से हाकी यूज कर पाएगा, और फाइनली लूफी और काइडो के क्लैश में वो बादल फटने वाला कॉन्करर हाकी देखने को मिलता है।
नंबर थ्री, सैंक्स का फिल्म रेड वाला हॉकी। यार देखो, जो जो भी थिएटर में जाके ये मूवी देखा है वो इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं सकता, बिकॉज जिस हिसाब से सैंक्स अपनी डॉटर के लिए कहता है, मतलब जिस हिसाब से यार वो चिल्ला के कहता है सब मरोगे, और फिर जो कॉन्क्रा की मारता है भाई, मोमोंगा तक गिर जाता है, सिर्फ दो जन खड़े रहते हैं, फूजी तोरा और किजारू, बाकी का पूरा नेवी का फ्लीट बेहोश। ये जो है लिस्ट में अगर नहीं होता ना भाई, मजाक सा बन जाता। और भले ही मूवी नॉन कैनन था, लेकिन ये मोमेंट जो है उसको ना एक नेक्स्ट लेवल बता देता है। प्लस सैंक्स का हॉकी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये चीज़ का छोटा सा नजराना देखने को मिलता है। बिकॉज जब मूवी रिलीज हुआ था तो ओडा ने 4 बिलियन बोल के एक वॉल्यूम सीरीज लॉन्च किया था, जहाँ पर हमें सैंक्स और उसके क्रू के बारे में बहुत सारे पावर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है जानकारियाँ मिली थी। नेक्स्ट नंबर टू, हाँ भाई यहाँ पर भी सैंक्स ने ही जगह बनाया है, बिकॉज सैंक्स का हॉकी नेक्स्ट लेवल है। वो नहीं जगह बनाएगा तो कौन बनाएगा? वो वाला मोमेंट जहाँ पर सैंक्स फिर से एक एडमिरल को धमका के भगा देता है। अब देखो, रेड मूवी में डरे नहीं थे वो दो एडमिरल, वो दोनों वहां से चले गए थे, और वो फूजी तोरा था इस वजह से, बिकॉज वो फालतू का यार सिटीजन की जान लेना नहीं चाहता था। वो दोनों लड़ते मर जाते लोग, लेकिन जो मांगा में दिखाया ना भाई, सोचो ये बंदा वानो कुनी घुसा नहीं है वो समुन्दर में, ठीक है, वानो कुनी के बाहर, वहां से कौन कर हाकी मारता है, ब्लैक लाइटनिंग निकलता है भाई आरामा की, उसके बाद डर के भाग जाता है, प्लस उसको डैमेज भी होता है उस हाकी के बाद। तो तुम सोचो यार, जो आरामा की कुरी में है, वानो कुनी के एक कंट्री में कुरी में है, वहां पे जाकर उसको डैमेज होता है। तो तुम सोचो यार, सैंक्स का हाकी कितना नेक्स्ट लेवल है, प्लस आसमान में जिस हिसाब से ब्लैक लाइटनिंग देखने को मिलता है भाई, मजा आ जाता है यार। वैसे देखो, फ्यूचर में और भी नेक्स्ट लेवल कौन कर हाकी मोमेंट्स दिखाई देंगे, हो सकता है हमें ड्रैगन का दिखे, हो सकता है रॉक्सी ज़ेबेक का दिखे, हो सकता है रॉजर एंड गार्प का दिखे, लेकिन फिलहाल के लिए तो बहुत ही मस्त है ये वाला मोमेंट। खैर, नंबर वन का बात करेंगे, लेकिन कुछ कॉन्ट्रा हॉकी जो है इस लिस्ट में नहीं आए, वैसे वो मुझे पसंद है पर नहीं आए, जैसे बिग मॉम और काइडो का क्लैश हुआ था वानो कुनी में, या फिर कह लो काटाकुरी वर्सेस लूफी का हुआ था, या फिर हो लूफी ने जो यूज किया था अमेजोन लिली आइलैंड में, या कह लो ओडेन वर्सेस व्हाइट बियर्ड, या कह लो ओडेन जब कट करता है काइडो को, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं आ पाए, पर ऑनरेबल मेंशन के तौर पे इन्हें मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब नंबर वन पे आते हैं, शायद सभी ने गेस कर लिया होगा, उस लिस्ट को कोई मतलब अभी तक तो हिला नहीं सकता, शायद फ्यूचर में जब रॉक्स दिखे ना तभी शायद हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो टॉप पे रहेगा। बिकॉज जब ये क्लैश हुआ था ना भाई, पूरा बादल हट गया था, फटा नहीं था, बादल हट गया था आसमान से, व्हाइट बियर्ड का सिप पलट गया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट बियर्ड वर्सेज रॉजर के क्लैश की। यार ये जो है ना, ये तबाही था, मतलब इतने साल से फैंस वेट कर रहे हैं, रॉजर का पावर देखना चाहते थे, और वो चीज रॉजर ने दिखाया, और व्हाइट बियर्ड के क्लैश ने भी दिखाया कि भाई ये दोनों कैसे एक दूसरे के राइवल थे, और सच में यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सिर्फ रॉजर से लड़ने का दम, उसके लेवल के सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स हैं। व्हाई रॉजर पायरेट किंग भाई, वो क्यों बना, क्यों दुनिया उससे खौफ खाती थी? और यार जिस हिसाब से उस कॉन्क्रा की मोमेंट से पहले ओडेन जाता है रॉजर से भिड़ने के लिए, शायद सोचा था जिस हिसाब से व्हाइट बियर्ड उसको इज्जत दिया था तलवारें सटा के, शायद रॉजर भी देगा, लेकिन रॉजर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में था, बिकॉज जिस हिसाब से व्हाइट बियर्ड आ रहा था पीछे पीछे, ओडेन को बोला चल हट, मच्छर की तरह उसको हटा दिया, और फिर व्हाइट बियर्ड के साथ क्लैश होता है भाई, मजा आ गया था यार वो वाला मोमेंट, फिलहाल के लिए तो कोई हटा नहीं सकता। खैर देखो, ये थे मेरे टॉप 10, वैसे टॉप 10 में और भी दो घुस गए थे, टॉप 12 का या टॉप 10 का, मैंने इसे टॉप 10 ही कहा, पर जो कुछ भी हो ये थे मेरे टॉप 10 कॉन्क्रा हॉकी मोमेंट्स। अब तुम सब अपनी लिस्ट बता सकते हो, और तुम्हें कौन सा वाला लगा था बताओ यार कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया पता है लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल पे नया आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।